नोएडा से है, जहां एक सिरफिरे युवक ने युवती की जान ले ली और दोस्ती से इनकार करने पर सिरफिरे ने युवती की जान ले ली। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से युवती को धक्का दे दिया और बिल्डिंग से नीचे उतर के सिरफिरे ने युवती के शव को लेकर फरार हो गया। करीब 5 घंटे तक लड़की के शव को लेकर यह आरोपी यूं ही भागता रहा। नोएडा पुलिस 5 घंटों के बाद इस तनकी युवक को गिरफ्तार कर पाई है। शव को जला के सबूत मिटाने की फिराक में था यह आरोपी। मृतका के भाई ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले 2 महीनों से युवती को परेशान कर रहा था यह सिरफिरा युवक और परिजनों ने पुलिस से 2 महीने पहले मदद की गुहार भी लगाई थी। तो थाना प्रभारी ने परिजनों पर दबाव बना के जबरन समझौता करवाया था, ऐसा भी कहा जा रहा है। और दुकानदार के सहयोग से घटना स्थल पर सबूत मिटाने में पुलिस लगी, ऐसा आरोप पुलिस पर लगाया गया। हाई प्रोफाइल घर से है हत्यारा सिरफिरा यह युवक और आरोपी के परिजनों के आगे जो पुलिस है वो नतमस्तक दिखाई दे रही है। सेक्टर 49 थाना इलाके के होशियारपुर गांव का यह मामला। तो नोएडा से इस वक्त की खबर, जहां एक सिरफिरे युवक ने एक युवती को तीसरी मंजिल से धक्का देके उसकी जान ले ली और फिर उसके शव को लेकर कई घंटों तक यह इधर उधर भागता रहा। यह इस फिर में था कि शव को जला के कैसे सबूत मिटा दिए जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से। निशांत, एक सिरफिरे युवक ने लड़की की जान ले ली छत से धक्का देके, क्या जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है महिला सुरक्षित है, लगातार सरकार दावा ठोक रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर देखी गई है। 2 महीने से लगातार जो सिरफिरा है ये युवती को परेशान कर रहा था, लगातार उसको एक तरफा प्यार करने की बात कर रहा था, लगातार परेशान कर रहा था। उसके परिजनों द्वारा कई बार शिकायत दी गई, लेकिन जो स्थानीय सेक्टर 49 की पुलिस है उसके कोतवाल द्वारा लगातार इसका समझौता करा दिया गया, दबाव बनाकर इस पर समझौता कराया गया, तमाम तरीके के परिजनों द्वारा आरोप लगाए गए। 3 मंजिल से पहले उसको फेंका गया, फिर उसके सबको गाड़ी में रखने के बाद उसको छुपाने के लिए मेरठ की तरफ जो फरार हुआ। हालांकि जब साइबर सेल के द्वारा इसको इस पूरे मामले को ट्रेस किया गया, सर्वेलेंस द्वारा जब इसको मेरठ रोड से इसको गिरफ्तार किया गया है, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से बात की जा रही है, लगातार महिला सुरक्षित होने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं जो सेक्टर 49 की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही से इस एक युवती की 22 साल की युवती की जान चली जाती है और सिरफिरा जो है उसकी हत्या कर देता है। बहुत शुक्रिया निशान जानकारी के लिए। तो ये हाई प्रोफाइल मामला और पुलिस पे भी कई गंभीर आरोप यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि दावे महिला सुरक्षा के किए जाते हैं लेकिन पुलिस पर यहाँ गंभीर आरोप लगे।